हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मुलेटर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी एई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 2012 का है, यानी कि 2012 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल वाला जो पार्ट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं ना। 50 क्वेश्चन थे, जिसमें नियर अबाउट 8 to 9 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के हैं, जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम आर मोर पॉन्स ऑफ फॉल्ट्स, तो कहां पे ज्यादा फॉल्ट होता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए जनरेटर, ऑप्शन बी अंडरग्राउंड लाइंस, ऑप्शन सी ट्रांसफॉर्मर एंड ऑप्शन डी ओवरहेड लाइन। तो ज्यादा जो फॉल्ट होता है वो कहाँ होता है, ये आपने ऑब्जर्व भी किया हुआ है कि जो ओवरहेड लाइन है, जो ट्रांसमिशन लाइन्स है, उसमें ज्यादा फॉल्ट होता है, क्योंकि वो कभी पेड़ से सट जाता है, कभी एयर के चलते, हवा के चलते वो अपने आप से टकरा जाता है, जिसको लाइन टू लाइन फॉल्ट कहते हैं। पेड़ से सट गया, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहते हैं। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ फॉल्ट, जो कि कहाँ अकॉर्ड होता है, ट्रांसमिशन लाइन में। तो मैक्सिमम फॉल्ट कहाँ अकॉर्ड होते हैं, ओवरहेड लाइन में। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ओवरहेड लाइन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो ज्यादा तो ज्यादा आपके फॉल्ट कहां अकॉर्ड होते हैं, दैट इज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। अ 2 ओम रेजिस्टर हैविंग 1 एम्पीयर करंट विल डिसिपेट पावर ऑफ, ऑप्शन ए 2 जूल, ऑप्शन बी 2 वाट, ऑप्शन सी 1 वाट एंड ऑप्शन डी 1 जूल। पावर पूछ रहा है बाबू, एनर्जी नहीं है ना, ये हमें देखना है कि पावर पूछ रहा है कि एनर्जी पूछ रहा है। इट इज नॉट आस्किंग द एनर्जी, इट इज आस्किंग अबाउट द पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर पावर लिखोगे, आपका रजिस्टर है 2 ओम का और 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, तो पावर इक्वल टू आइदर आप वी इंटू आई लिख सकते हो, आइदर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और आप आई स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हो, क्योंकि V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो V के बदले आप I पुट करोगे, इंटू आर पुट करोगे, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। और आप ये भी लिख सकते हो कि ये V स्क्वायर बाई आर होता है, इधर आप ये भी लिख सकते हो कि V स्क्वायर बाई आर होता है। तो आपके पास ये तीन फॉर्मूला होता है, किसी एक फॉर्मूला का यूज करके आप पावर निकाल सकते हो। यहाँ पे इसलिए ये लिखा जाता है कि सेंस V जो है वो किसके बराबर होता है, I into R के बराबर होता है, तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे V into I R पुट किए तो I square R हो गया, या फिर यहाँ पे I equal to V by R पुट किए तो V square by R हो गया। इसका यूनिट क्या होता है, that is watt। यूनिट क्या होता है, watts is the unit, that is the power का यूनिट वाट होता है। नाउ अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2 ओम का रजिस्टर है और 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये फॉर्मूला लगाओगे। इसलिए जो पावर का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे आई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, आई स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर इंटू आर मतलब 2 ओम है, दैट बिकम इक्वल टू 2 वाट। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2 वाट्स, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 2 वाट, ऑप्शन हो जाएगा बी। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, दैट इज इक्वल टू 2 वाट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द इलेक्ट्रिक द सर्किट हुज प्रॉपर्टी आर सेम इन आइदर द डायरेक्शन इज नोन एज, ऑप्शन ए रिवर्सिबल सर्किट, ऑप्शन बी इरिवर्सिबल सर्किट, ऑप्शन सी यूनिलैटरल सर्किट एंड ऑप्शन बी डी बायलैटरल सर्किट। द सर्किट जिसका प्रॉपर्टी जो है ना सेम, दोनों डायरेक्शन में सेम रहता है, That is known as, जैसे आपने रजिस्टर देखे हुए हैं, तो इस रजिस्टेंस, मान लो ये एक रजिस्टर है कोई, है ना, तो इस रजिस्टर का प्रॉपर्टी, मान लो ये कोई एलिमेंट है जो कि है रजिस्टर, तो अगर आप यहां से करंट सप्लाई करें, या फिर यहां इस डायरेक्शन से आप सप्लाई करें, आप इस डायरेक्शन से सप्लाई करें करंट चाहे, और इस डायरेक्शन से आप बाहर निकालें, एक ऑप्शन ये है कि इधर से करंट सप्लाई करिए और इधर से निकाल लीजिए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप दूसरे डायरेक्शन से करंट सप्लाई करिए, मतलब ये जो डायरेक्शन है इस वाले डायरेक्शन से करंट सप्लाई करिए और किधर निकाल लीजिए, उल्टे वाले डायरेक्शन में निकाल लीजिए। तो दोनों ही तरफ आप लेके जाओगे किसी रजिस्टर में, ये रजिस्टर था, तो दोनों ही समय आपका क्या होगा, अगर आप इधर से करंट सप्लाई करो या इधर से करंट सप्लाई करो, दैट इज नॉट अ बिग इशू। ओके, ठीक है। तो बात यह है कि आप ये इधर से करंट सप्लाई करिए या फिर आप इधर से करंट सप्लाई करिए, अगर ये एक रजिस्टर है R, ठीक है, तो ये जितना करंट इस डायरेक्शन से फ्लो करेगा उतना ही करंट इस डायरेक्शन से फ्लो करेगा, ऑलवेज इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम। यानी कि आप किधर भी डायरेक्शन से
आप इसमें किधर भी डायरेक्शन से करंट फ्लो कराइए, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, द प्रॉपर्टी विल बी सेम, इट इज द रेजिस्टेंस ओनली, इट इज नॉट गोइंग टू माइनस आर या समथिंग, तो दैट इज कॉल्ड बाइलैटरल। अगर इस तरह के जो प्रॉपर्टी होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइलैटरल, यानी कि दोनों ही डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी अगर देता है दैट इज कॉल्ड एज बाइलैटरल एलिमेंट। जैसे कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, जैसे कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, व्हाटएवर इट इज। लेकिन अगर उसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं हुई दोनों डायरेक्शन में तो हम लोग उसको बोलते हैं वो यूनिलैटरल है। जैसे अगर आप एक सिंपल डायोड बनाइए, जैसे आप एक सिंपल डायोड बनाइए, ओके ठीक है, अगर आप एक डायोड बनाते हैं लाइक दिस, ठीक है, ये डायोड का सिंबल है, तो आपको पता होगा ये एक ही, आइडियली ये एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। अगर ये डायोड है डी, तो अगर इसी डायरेक्शन में, इसको एनोड एंड कैथोड से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये इसी डायरेक्शन में केवल करंट फ्लो करता है ना, मतलब एनोड से कैथोड एक ही डायरेक्शन में ये करंट फ्लो करता है, ये एनोड, ये कैथोड, तो एनोड से कैथोड की तरफ, उल्टा डायरेक्शन में आइडियली ये करंट फ्लो नहीं करता, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिलैटरल, यूनिलैटरल एलिमेंट, ठीक है, यूनिलैटरल एलिमेंट। तो यूनिलैटरल क्या होता है, जिसकी प्रॉपर्टी ना दोनों साइड से सेम नहीं है, जैसे इधर से करंट फ्लो करेगा, इधर से करंट इसकी जीरो होगी, इस टाइप के आपके आइडियली बात बोल रहे हैं, तो इस टाइप के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिलैटरल। एनीवे, तो द करेक्ट आंसर विल बी, अगर प्रैक्टिकल डायोड की बात भी करोगे ना, तब भी दोनों समय दोनों साइड करंट सेम नहीं होते। इसके अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक साइड क्या होता है, ये कुछ इस टाइप का प्लॉट होता है ना, एक साइड ये कुछ इस टाइप का इंक्रीजिंग प्लॉट होता है, दूसरे साइड ये बहुत दूर के बाद इस तरह का ब्रेक होता है, यानी कि दोनों जो है ना VI characteristics इसके दोनों प्लॉट, दोनों क्वाड्रेंट में सेम नहीं होते। जो बाइलैटरल ये है, जैसे कि इसकी जो VI characteristics है, ये V और ये I characteristics है, वो दोनों जो आपका क्वाड्रेंट है, यानी कि जो आमने सामने का क्वाड्रेंट है, अल्टरनेटिव जो क्वाड्रेंट है, उसमें सेम नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिलैटरल। अगर इसकी अगर हम लोग VI characteristics ड्रॉ करना, रेजिस्टेंस की, अगर रेजिस्टेंस की VI characteristics ड्रॉ करें, तो ना दोनों क्वाड्रेंट में सेम होता है ना, ये दोनों ही क्वाड्रेंट में सेम होता है। अगर ये भी लेते हो और ये आई लेते हो, तो आपका जो दोनों ही क्वाड्रेंट में इसकी सेम होती है प्रॉपर्टी, है ना, यानी कि VI characteristics इसका ड्रॉ करोगे, इधर भी ले सकते हो और ये आई ले सकते हो, आपकी मर्जी। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ना, वो लिनियर होती है ना, स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से पास होगा लाइक दिस, इस तरह से। तो दोनों ही क्वाड्रेंट में इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। दोनों क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, अल्टरनेटिव क्वाड्रेंट, डेल्टा वी बाई आई, ये हो गया आर का ग्राफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइलैटरल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिलैटरल। तो करेक्ट आंसर विल बी बाइलैटरल, यानी कि अगर दोनों ही डायरेक्शन में सेम है, दैट इज नोन एज बाइलैटरल एलिमेंट। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ओके, द सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज टू इंक्रीज द करेंट आउटपुट, टू इंक्रीज द वोल्टेज आउटपुट, टू इंक्रीज डिक्रीज द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ चार्जिंग वोल्टेज रिक्वायर्ड। कह रहा है कि जो सेल्स है ना, बैटरीज हैं, उनको सीरीज में क्यों कनेक्ट किया जाता है। अपने घर में टॉर्च में देखे होंगे, है ना, कि टॉर्च में हम लोग दो या तीन बैटरी लगाते हैं, एक जो हमारा सेल आता है, बैटरी जो आता है, वो 1.5 वोल्ट का होता है। किसी किसी टॉर्च में दो बैटरी लगता है, किसी में तीन बैटरी लगता है, उनके वोल्टेज रेटिंग के अकॉर्डिंग। अगर वो दो बैटरी लगा है, इसका मतलब उसमें तीन वोल्ट का जो बल्ब लगा है, वो तीन वोल्ट उसको रिक्वायर्ड है, इसलिए दो बैटरी लगाया हुआ है। जिसमें तीन बैटरी लगाए जाते हैं, मतलब वो ना 4.5 वोल्ट उसको चाहिए ब्राइट जलने के लिए, दैट्स व्हाई वो रिक्वायर्ड सम 4.5 वोल्ट। तो उस हिसाब से सीरीज में जब भी आप एड अप करेंगे, आपके पास जब भी सीरीज में एडिशन होगा, अगर एक बैटरी, दो बैटरी, तीन बैटरी, जैसे जैसे आप सीरीज में बैटरी एड करते जाएंगे, तो इनका पर्पस क्या होता है सीरीज में एड करने का, इनका पर्पस होता है कि इनको इनसे वोल्टेज ज्यादा चाहिए हमें, है ना। जैसे ये बैटरी हो गया, इस तरह से हम लोग एड अप करते हैं लाइक दिस, मान लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये
एक और बैटरी है, तो इसका वोल्टेज अगर 1.5 वोल्ट है, इसका वोल्टेज अगर 1.5 वोल्ट है, तो ओवरऑल अगर वोल्टेज आप निकालेंगे यहां से लेके यहां तक, ये जो वोल्टेज अगर आप निकालेंगे ये कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, यानी कि सीरीज में वोल्टेज ऐड होता है, इसलिए हम लोग बैटरीज को सीरीज में ऐड करते हैं, या सेल को, ये C1 पहला सेल हो गया, ये C2 हो गया, तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू इंक्रीज द वोल्टेज। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, इंक्रीज द वोल्टेज आउटपुट, इनको बढ़ाने के लिए इनको सीरीज में ऐड किया जाता है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक कंपास पॉइंट टू द ऑप्शन ए जियोग्राफिकल पोल, ऑप्शन ट्रू नॉर्थ पोल, ऑप्शन सी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ऑप्शन डी एगोनिक लाइन ऑफ द अर्थ फील्ड। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो किधर पॉइंट होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए जो मैग्नेटिक कंपास बनाया जाता है वो आपको पता है कि नॉर्थ की तरफ पॉइंट होता है, ये हमें बात पता है। ये जो मैग्नेटिक कंपास हम लोग बनाते हैं ये किसकी तरफ पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट बनाया होता है ये ना नॉर्थ की तरफ पॉइंट होता है, ये हम लोग को पता है कि ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट होता है ना। ओके, एक्चुअली जो ट्रू नॉर्थ होता है ना, जो एक्चुअली ट्रू नॉर्थ होता है वो ज्योमेट्रिकल साउथ होता है, तो अगर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल साउथ पोल लिखा होता दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये ज्योमेट्रिकल पोल्स लिख दिया है, पोल्स मतलब क्या हुआ, दोनों पोल्स के बारे में बोल दिया ना। देखो इसमें क्वेश्चन में ये और ये दोनों आंसर में कंफ्यूजन है, तो ज्योमेट्रिकल पोल्स का मतलब क्या हुआ, आइदर नॉर्थ और साउथ, ज्योमेट्रिकल पोल्स का मतलब दोनों हो गया नॉर्थ एंड साउथ, आपको उधर नहीं करना। इधर देखिए ये एक्चुअली नॉर्थ की तरफ पॉइंट होता है, नॉर्थ का मतलब क्या हुआ, ये जियोग्राफिकल साउथ की तरफ पॉइंट होता है, वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ पॉइंट होता है या ट्रू नॉर्थ की तरफ पॉइंट होता है, तो जिधर वो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्थ पोल है, लेकिन ज्योग्राफी का वो क्या है, वो साउथ पोल है, तो नॉर्थ एंड साउथ एक दूसरे को अटैक करते हैं और इस तरह वो पॉइंट होता है। तो ये बड़ी सिंपल क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक कंपास किधर पॉइंट होता है, दैट इज पॉइंट टू द ट्रू नॉर्थ, एंड ट्रू नॉर्थ कहिए या ज्योग्राफिकल साउथ कहिए, बोथ आर करेक्ट, बट ज्योग्राफिकल पोल्स जो लिखा है ना इसके चलते ये आंसर नहीं है, ज्योग्राफिकल साउथ पोल लिखा होता दैट विल बी द करेक्ट आंसर आल्सो, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ट्रू नॉर्थ पोल की तरफ कंपास पॉइंट होता है, दैट इज सिंपल क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन ओनली बी emitted or observed by a matter in the small discrete unit is called, option A proton, option B electron, option C photon and option D neutron। question ये पूछ रहा है कि जो electromagnetic radiation होता है वो एक छोटे छोटे डिस्क्रीट यूनिट, यानी छोटे छोटे यूनिट को ऑब्जर्व करता है, उस यूनिट को क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आप प्लैंक क्वांटम थ्योरी आप पढ़े होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो छोटे छोटे पॉकेट को ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि जो रेडिएशन में छोटे छोटे पॉकेट को ऑब्जर्व किया जाता है दैट इज कॉल्ड फोटोन। तो फोटोन को ऑब्जर्व करता है या फोटोन को ही इलिमिनेट करता है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कौन से यूनिट को, यानी कि जो मैटर के कौन से स्मॉल डिस्क्रीट यूनिट को, एक छोटे छोटे पैकेट में ना, स्मॉल डिस्क्रीट यूनिट में, छोटे छोटे पैकेट में आप फोटोन को वो आपका एलिमिनेट भी करता है, यानी कि इमिट भी करता है और फोटोन को ही ऑब्जर्व भी करता है। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी फोटोन। तो फोटोन को वो ऑब्जर्व करता है एंड फोटोन को ही वो इमिट करता है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये बहुत बार यूज किया हुआ क्वेश्चन है। वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो वन हॉर्स पावर 1 HP, ये बार बार मोटर और जनरेटर, मोटर में एक्चुअली आता है कि 1 HP 2 HP का मोटर या 0.5 HP का मोटर, आप घर के लिए ना समर पंप के लिए भी जो मोटर खरीदने जाते हैं तो 1 HP 0.5 HP इस तरह से आप HP का मोटर खरीदते हैं, तो 1 HP विल बी इक्वल टू कितना होता है 746। एक्चुअल जो प्रिसाइज वैल्यू है वो कितना है, एक्चुअली जो प्रिसाइज वैल्यू है कितना है, वो है 745.7, जिसको हम लोग लिख लेते हैं 746 वाट। तो ये वाट में इतना होता है, तो इसलिए जो किलोवाट में कितना हो जाएगा, तो 0.7457 किलोवाट। सिंपल क्वेश्चन था ये, तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी आंसर डी, 0.7457 किलोवाट। ठीक है, तो एक हॉर्स पावर जो कि बार बार मोटर में यूज किया जाता है वो कितने के बराबर होता है किलोवाट में, दैट इज इक्वल टू 700 वाट के बराबर होता है या 0.7457 किलोवाट के बराबर होता है। Let us see the next question, that is question number 24. I am reading the question once. The error of instrument can be
डिटरमाइंड बाय ऑप्शन ए कैलिब्रेशन, ऑप्शन बी ऑप्टिकल प्रोजेक्टर्स, ऑप्शन सी स्लीप गैंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव. द एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय, एरर कैसे निकाला जाता है, डिटरमाइंड कैलिब्रेशन. कैलिब्रेशन क्या होता है, किसी भी स्टैंडर्ड मेजर्ड से आप क्या करिए, जो आपका गिवन मेजर है उसको कंपेयर करिए और इसी को कैलिब्रेशन कहा जाता है और उसी से हम लोग निकालते हैं आपके पास कि कितना एरर है. जैसे कि एक मीटर इतना होता है, कहां से है, एक स्टैंडर्ड लेंथ है उसे हम लोग मेजर करते हैं, वो एक केजी. स्टैंडर्ड एक वेट है एक केजी का, उससे हम लोग मेजर करते हैं, इसको हम लोग कैलिब्रेशन कहते हैं, उसे कंपेयर करते हैं एक्चुअली, उसको हम लोग कैलिब्रेशन कहते हैं. तो दैट विल बी द कैलिब्रेशन. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ड्यू टू कैलिब्रेशन. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25. सम सबस्टांस जनरेटिंग वोल्टेज वेन दे आर सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल फोर्स और स्ट्रेस अलोंग विद द स्पेसिफिक प्लेन आर नोन एज, ऑप्शन ए थर्मो इलेक्ट्रिक, ऑप्शन बी मैग्नेटो इलेक्ट्रिक, ऑप्शन सी पीजो इलेक्ट्रिक एंड ऑप्शन डी फोटो इलेक्ट्रिक. तो जो अब ये बहुत बार आप पहले ये 10th 12th का ही क्वेश्चन है एक्चुअली. एक मटेरियल होता है जिसको हम क्या करते हैं, फोर्स देते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इट इज कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिक सबस्टांस. तो ये ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो क्या करते हैं, क्या कहते हैं हम लोग उसको, पीजो इलेक्ट्रिक सबस्टांस एंड दैट आंसर विल बी ऑप्शन सी. तो जिसको फोर्स देने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है दैट इज कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. अ फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस इन व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट स्ट्राइकिंग इज on it is called photo cell, option B photo emission cell, option C photo voltaic cell and option D photo conductive cell. देखो ये बैटरी का क्वेश्चन है, सेल्स का क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप के सेल जो पढ़ते हैं हम लोग. तो क्या कर रहा है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस जिसमें रजिस्टेंस जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लाइट के, यानी कि रजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, रजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाइट के, जो लाइट इमिट हो रहा है उस पे नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इस वाले सबस्टांस को कहते हैं कंडक्टिव सबस्टांस, है ना, फोटो कंडक्टिव, क्योंकि रेजिस्टेंस से रिलेटेड है ना, यानी कि एक्चुअली में वो कंडक्टेंस को इफेक्ट करता है. और कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, 1/g को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं. एक्चुअली कंडक्टेंस को चेंज करता है जिससे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और चेंज होता है, यू बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटो कंडक्टिव सबस्टांस. और इस वाले सेल को क्या नाम देंगे, तो फोटो कंडक्टिव हीट, फोटो कंडक्टिव सेल. तो फोटो कंडक्ट कंडक्टेंस से ये बन क्या आता है, फोटो कंडक्टिव सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कशन नंबर 28. द फैक्ट दैट हाउ क्लोजली द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग इज फॉलोइंग द मेजरमेंट वेरिएबल इज टर्म्ड एज, ऑप्शन ए फिडेबिलिटी, ऑप्शन बी एक्यूरेसी, ऑप्शन सी थ्रेशोल्ड सेंसिटिविटी एंड ऑप्शन डी प्रिसीजन. तो कितना ज्यादा मेजर वैल्यू के एक्यूरेट है, बराबर है इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग, इट इज कॉल्ड एक्यूरेसी. देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. मान लीजिए आपके पास दो चीज है, इसको समझने के लिए हम लोग इस तरह समझते हैं कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट के रीडिंग्स हैं कुछ इस टाइप के, जिसमें यहां ट्रू रीडिंग है, ये ट्रू रीडिंग है. हमारे पास एक रीडिंग है जो कि कुछ इसके इस तरह पास पास आ रहा है, लाइक दिस, इस तरह से. तो इसको एक्यूरेट बोलते हैं. हमारे पास ट्रू वैल्यू कितना है, यहाँ है, लेकिन जो हमारा रीडिंग आ रहा है ना वो यहाँ पे आ रहा है, लाइक दिस, इस तरह से. तो इसको बोलते हैं प्रिसाइज. ये एक्यूरेटी एक्यूरेट नहीं है, यहाँ ये एक्यूरेट नहीं है, बट एक दूसरे के पास है ये रीडिंग, जो आपको चार पांच रीडिंग है वो एक दूसरे के पास है. तो इसको बोलते हैं प्रिसीजन, इसको बोलते हैं एक्यूरेसी. तो भले ये एक दूसरे के पास तो नहीं है, बट ये ट्रू के पास है ना, ये जो है वो ट्रू वैल्यू है और उसके पास है अगर रीडिंग, ये जो है वो ट्रू वैल्यू है. और अगर उसके पास है रीडिंग तो एक्यूरेट है, और एक जगह है बहुत सारा तो प्रिसीजन है. तो इसका आंसर क्या होगा, एक्यूरेसी. यानी कि अगर ट्रू वैल्यू के मेजर वैल्यू के पास है तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्यूरेट और एक्यूरेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 31. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर, ऑप्शन ए सोलर सेल, ऑप्शन बी फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ऑप्शन सी थर्मोकपल एंड ऑप्शन डी फोटोवोल्टाइक सेल. देखिए कह रहा है कि वो कौन जो है ना पावर का सोर्स नहीं है, है ना, पावर जिसे जनरेट नहीं था, सोर्स ऑफ पावर नहीं है, यानी कि पावर का सोर्स नहीं है, सोर्स ऑफ पावर नहीं है. तो देखो सोलर सेल से पावर लेते हो, ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल और फोटोवोल्टाइक सेल, इन सबसे पावर लेते हो आप,
पावर किससे नहीं लेते? थर्मल कपल से। तो थर्मल कपल क्या है? थर्मोकपल जो है ना वो एक ट्रांसड्यूजर है, एक्टिव ट्रांसड्यूजर है। एक्टिव क्यों है? क्योंकि वो वोल्टेज जनरेट करता है अपने अंदर एनीवे, बट उसको अलग से किसी पावर की जरूरत नहीं होती ऑपरेट होने के लिए, वो खुद से एनर्जी जनरेट करता है। बट ये ना किसी सोर्स के लिए, किसी पावर के लिए सोर्स का काम नहीं करता, या फिर यू बोले तो इससे आप पावर ले नहीं सकते, बट इतना ज्यादा पावर नहीं होता कि आप उसको ले पाएंगे, है ना। बट उसकी जो पावर है वो उसको ऑपरेट करने के लिए सफिशियंट होती है, दूसरे से पावर नहीं लेता, इसलिए एक्टिव ट्रांसड्यूजर होता है, बट ये सोर्स नहीं होता, पावर का सोर्स नहीं होता। द करेक्ट आंसर विल बी आंसर सी, सोलर ये सारे एनर्जी देते हैं बट ये एनर्जी देता नहीं, ये एक्टिव ट्रांसड्यूजर जैसा बिहेव करता है। ये सारे एक्टिव भी हैं और वो सारे पावर के सोर्स भी हैं, ये केवल एक्टिव है, पावर का सोर्स नहीं है, ये एक्टिव ट्रांसड्यूजर होता है। इट इज एक्चुअली एक्टिव ट्रांसड्यूजर, ये पावर का सोर्स नहीं होता, है ना, ये पावर का सोर्स नहीं होता, ये केवल और केवल एक्टिव ट्रांसड्यूजर होता है, ना, एक्टिव ट्रांसड्यूजर होता है। तो बस और बस ये किसी से एनर्जी लिए बिना ऑपरेट होता है, इट्स कॉल्ड एक्टिव ट्रांसड्यूजर।